नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऑनियन ऑयल बनाने जा रहे हैं। ये ऑयल हमारे बालों की सारी समस्याओं के लिए बहुत उपयोगी है। इस ऑयल का इस्तेमाल करने से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, गिरना रुकता है, रूसी भी नहीं होती, लंबे होते हैं बाल, सिल्की भी होते हैं और असमय सफेद भी नहीं होते। मार्केट में तो हेयर प्रॉब्लम दूर करने के लिए ऑनियन ऑयल मिलता ही है, लेकिन हम घर पर ही बगैर केमिकल के आसानी से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए इस मेडिसिनल ऑयल को बनाना शुरू करते हैं। होममेड ऑनियन ऑयल बनाने के लिए मैंने पौन कटोरी सरसों का तेल लिया है, आधी प्याज है जिसे मैंने ग्रेट करके रखा है, 2 टेबलस्पून नीम के पत्ते हैं इसे मैंने कट करके रखा है और आधी छोटी चम्मच मेथी दाने हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इन सब के फायदे आपको बताना चाहती हूँ। सरसों का तेल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इसमें विटामिन ए, डी, ई और के होता है, और इसके डालने से हमारा ये ऑयल एक मेडिसिनल ऑयल बन जाता है। प्याज है, प्याज मैंने लाल रंग की जो आती है उसे ली है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा सल्फर की होती है, बहुत अधिक क्वांटिटी में सल्फर पाया जाता है, जो कि हमारे बालों की जड़ों को रीजनरेट करता है, मजबूत बनाता है, रूसी नहीं होती है उससे। तो जब भी हम ऑनियन ऑयल बनाएं तो उसमें हम लाल रंग की ही प्याज का इस्तेमाल करें। और नीम, ये भी हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों में ये मॉइस्चराइजर का काम करता है, और अगर इसका हम लगातार इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आप भी इस कंडीशनर का उपयोग करना ही बंद कर दें, और इसको लगाने से बालों को कोई भी नुकसान नहीं होता है। और मेथी दाना है, ये अगर हमारे बाल रूखे रहते हैं तो उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है, तो आप इसे भी थोड़ा सा इसमें जरूर डालें। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा तेल बना रही हूँ इसलिए मैंने प्याज को ग्रेट करके रखा है। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो इसे मिक्सी में डालकर पीस सकते हैं, उसी में मेथी दाना भिगा के पीस लें और नीम के पत्ते भी डालकर पीस लें। प्याज वैसे भी अकेले नहीं पिसाती है, तो हमें उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, उसके बदले हम थोड़ा सा ऑयल डाल के और प्याज को मिक्सी में पीस लेंगे। ऑयल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी अपने बालों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं उससे भी ये ऑयल बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। ऑनियन ऑयल बनाने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, आप कोई भी हेवी बॉटम की कढ़ाई ले सकते हैं ताकि ऑयल अच्छे से बने और उसमें हमारा प्याज का मसाला और ये सब जले ना, इसलिए हम इसमें बना रहे हैं। मैंने नीम डाल दी है, कद्दूकस किया हुआ प्याज भी डाल दिया है, मेथी दाना इसे भी डाल दिया है और जो ऑयल लिया है इसे भी डाल दिया है। अब 2 मिनट हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, उसके बाद में हम आंच को धीमी कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से हम भून लेंगे, ताकि पूरा नीम का और प्याज का अर्क ऑयल में अच्छे से आ जाए। तो हम धीमी आंच पर इसे 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने देंगे। मैंने 15-20 मिनट इसे स्लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल कितना बढ़िया बन गया है, इसमें जितने भी फेज थे ये अब बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं और हमारा प्याज बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, और उसके बाद में पतले वाले कॉटन के कपड़े से इसे दबा दबा कर हम छान लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे बहुत अच्छे से ठंडा होने देंगे। ऑनियन ऑयल को मैंने अच्छे से पतले कपड़े से छान लिया है, आप देख सकते हैं कि हमारा कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गया है, और ये उसके ऊपर का प्याज वाला और नीम वाला छूंदा भी अलग हमने निकाल लिया है। हम इस ऑयल को एक बॉटल में भरकर लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, और अगर आपको इसकी स्मेल स्ट्रांग लगे तो आप इसमें विटामिन ई के 1 या 2 कैप्सूल भी खोलकर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बालों से संबंधित सारी समस्याओं से निजात पाने का घरेलू उपचार ऑनियन ऑयल बनकर तैयार है। इस ऑयल का लगातार इस्तेमाल करने से आपके बाल स्वस्थ और सिल्की होंगे, बालों में रूसी नहीं होंगी, रूखे नहीं होंगे और असमय सफ़ेद भी नहीं होंगे। मैं ऑनियन ऑयल बनाने में हमेशा सरसों के तेल का ही उपयोग करती हूँ और इस्तेमाल भी करती हूँ।
आप बालों के लिए जो भी ऑयल उपयोग में लाते हैं तो उसी ऑयल से इस मेडिसिनल ऑयल को बना सकते हैं। आप ऑयल को कैसे इस्तेमाल करें यह भी मैं आपको बता देती हूँ। आप जितना तेल जरूरी है उतना ही एक कटोरी में निकाल लें, उसे गुनगुना करें और उंगलियों की सहायता से बालों की जड़ों में हल्के हल्के मालिश करते हुए लगाएं और एक दो घंटे ऑयल को बालों में लगे रहने दें और फिर बालों को शैम्पू कर लें। एक सप्ताह में दो बार नहीं तो एक बार तो इसका उपयोग जरूर कीजिएगा। कुछ दिनों के बाद में आपको अपने बालों में इसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। तो आप भी इस आयुर्वेदिक तेल को घर पर बनाइए और उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।